लेंगे. इट्स क्लियर. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक ऊजेनेसिस. सो ऊजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन एंड मैच्युरेशन ऑफ ऑव्यूम इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल. दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट. सो ऊजेनेसिस का काम क्या होता है बेटा, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? इट इज मेनली इनिशिएटेड इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन द मिलियंस ऑफ एग मदर सेल. मिलियंस ऑफ एग मदर सेल, मदर सेल, एग मदर सेल मतलब किसको कहेंगे? ओगोनियम. ओगोनियम को कहेंगे, उसको ओगोनिया कहते हैं. जैसे बेटा माइक्रोस्पर मदर सेल होता था, माइक्रो और मैक्रोस्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल पढ़े थे ना पोलन फॉर्मेशन में, है ना? ठीक है. तो बेटा क्या है ऊजेनेसिस, किसको इनिशिएट करेगा? एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में क्या करेगा? मिलियंस ऑफ एक मदर सेल को फॉर्म करेगा ओवरी के भीतर, ठीक है ना? तो आप देखिएगा एक क्वेश्चन, आपको मेडिकल में अगर सवाल पूछा नीट में कि कौन सा ऐसा स्टेज होता है जहां पे आपको मिलियंस ऑफ ओगोनियम और एक मदर सेल आपको देखने को मिलता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम द एक मदर सेल और ओगोनियम कैन बी फॉर्म मिलियंस नंबर, मिलियंस नंबर. इट्स क्लियर, ठीक है ना बेटा? लेकिन ये धीरे 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 एट द एज ऑफ प्यूबर्टी मतलब 12 से 13 साल जब फीमेल में हो जाता है बेटा, जब मैच्योरिटी टाइम आता है, उस समय अगर देखेंगे तो ये धीरे 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 ये ओगोनियम का नंबर घटते जाता है और 60 से 70 हजार हो जाता है. कितना हो जाता है? मिलियंस ऑफ ओगोनियम से घटके रिड्यूस होके 7 से 70 हजार हो जाता है. सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखेगा. No more ogonia are formed and added after birth. और after birth के बाद, after parturation, child birth हो गया, तो female body में no more single ogonium और एक mother cell can be formed inside the female reproductive system. After parturation और after birth बेटा क्या होता है? एक भी ओगोनियम एक्स्ट्रा फॉर्मेशन नहीं होगा. जो भी ओगोनियम का फॉर्मेशन होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में फीमेल में उसी समय ही प्रोड्यूस हो जाते हैं जितना मिलियंस बनना होता है, और आफ्टर पार्चुरेशन और बार्थ ये प्रोड्यूस नहीं होता है. तो ये याद रखेगा. इसके बाद ओगोनिया, ओगोनियम और ओगोनिया मल्टीप्लाई टू फॉर्म प्राइमरी ओसाइट. सो बेटा ड्यूरिंग द ओजेनेसिस हम देखते हैं जैसे स्पर्माटोजेनेसिस में कौन सा मदर सेल था, वहां पे स्पर्माटोगोनियम था. क्या था? स्पर्माटोगोनिया और स्पर्माटोगोनियम था. वो स्पर्माटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं. वो म्यूटिक डिफरेंशिएट करके क्या करेगा? टू हैप्लॉयड बनाएगा, है ना? प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स बनाएगा, है कि नहीं? ऐसे यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा? ईच ओगोनिया और ईच मदर सेल ऑफ ओगोनिया कैन बी मल्टीप्लाई टू फॉर्म द प्राइमरी ओसाइट. क्या बनाएगा बेटा? प्राइमरी ओसाइट्स बनाएगा. फिर फर्दर और डिवाइड होके क्या बनाएगा? सेकेंडरी ओसाइट्स बनाएगा. और फिर लास्ट में वो क्या बनाएगा बेटा? क्या बनाएगा? फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन होता है कैसे मैं बोलूंगा, और लास्ट में एक ही ओगोनियम. बस इतना याद रखो मेडिकल के लिए, एक ही ओगोनियम से कितने ओव्यूम फॉर्मेशन होते हैं? एक ही होता है. अरे कितने फॉर्मेशन होते हैं? वन होता है. लेकिन एक स्पर्मा, लेकिन मेल में एक ही स्पर्माटोगोनियम से कितने स्पर्म फॉर्मेशन होता है? चार होता है. कितना होता है? चार. मेल में चार स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं एक ही स्पर्माटोगोनियम से, फीमेल में एक ही ओगोनियम से एक ही ओव्यूम रिलीज होता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन. कौन सी पीरियड में? ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज और ओव्यूलेशन जब होगा एक ही ओव्यूम रिलीज होता है. तो ओ वाला स्टेजेस हम लोग देखेंगे.
पहले वाला ये बेटा ये ग्राफियन फोलिकल का जो डायग्राम है इसको देखिए अच्छे से, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे जी, देखिए यहां पे हम लोग देखेंगे बेटा, देखो कैसे ग्राफियन फोलिकल के भीतर, एक ग्राफियन फोलिकल के भीतर कैसे आपका फोलिकल जो है अपना चेंजेस करता है और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करके कैसे मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनते हैं और कैसे ओव्यूलेशन होता है और कैसे ओव्यूलेशन होके वो ओव्यूम को सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे बेटा ये आप देखेंगे तो ये ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स इधर से आया हुआ है और यहाँ पे देखिए प्रीमोडियल फोलिकल्स है, प्रीमोडियल फोलिकल्स। प्रीमोडियल फोलिकल्स मतलब बेटा ये क्या है, जो पहला फॉर्मेशन होगा धीरे 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 ओगोनियम बनेगा, ये प्राइमरी फोलिकल। ये प्रीमोडियल सेल्स जो है ये ओगोनियम है, ये ओगोनियम धीरे 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 देखो प्राइमरी फोलिकल को डेवलपमेंट करेगा। अब ये प्राइमरी फोलिकल बेटा इसके अंदर फोलिकुलर सेल्स होते हैं, क्या होते हैं फोलिकुलर सेल्स, ये धीरे 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 प्राइमरी ओसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये प्राइमरी ओसाइट्स क्या करेगा, धीरे 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 क्या करेगा, सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा। तो इसके अंदर कुछ फ्लूइड होता है, प्राइमरी ओसाइट के भीतर कुछ फ्लूइड होता है उसको कहेंगे फोलिकुलर फ्लूइड। क्या कहेंगे बेटा, कौन सी सेल्स होता है तो फोलिकुलर सेल्स होते हैं और कौन सी फ्लूइड होता है तो क्या बोलोगे फोलिकुलर फ्लूइड्स होता है, फोलिकुलर फ्लूइड्स होता है। अब ये धीरे 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 बेटा ड्यूरिंग द सेकेंडरी ओसाइट जब बनाएगा, सेकेंडरी ग्राफियन फोलिकल जब बनाएगा उस समय क्या होगा बेटा, ये फास्ट पोलर बॉडी को फॉर्मेशन करेगा, फास्ट पोलर बॉडी को, और बाकी सारा वो क्या करेगा सेकेंडरी ओसाइट डेवलपमेंट करेगा, जिसको सेकेंडरी फोलिकल भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, सेकेंडरी फोलिकल कहते हैं। ये जो फास्ट पोलर बॉडी जो धीरे धीरे डेवलप हुआ, इसकी जो आउटर कवरिंग लेयर है इसको जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा कह सकते हैं, क्योंकि ये ओव्यूम बना रहा है। ओव्यूम की देखो ये वाला स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ ऊपर में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज ए स्ट्रक्चर, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम। ये ओव्यूम का बेटा दो लेयर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम की दो लेयर होता है। आउटर लेयर को बेटा हम कहेंगे जोना पेलुसिडा, क्या कहेंगे जोना पेलुसिडा कहेंगे, ठीक है ना। अब बेटा इसकी भीतर में जो लेयर है ये गैप है, भीतर लेयर को हम लोग कहेंगे प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन, क्या कहेंगे प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन। और ये प्री विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको प्री विटेनाइल फ्लूइड कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा प्री विटेनाइल फ्लूइड कहेंगे। और यहाँ पे प्री विटेलाइन स्पेसेस में कोरोना रेडिएटा होता है, ठीक है ना, जिसका काम आगे हम लोग अभी चलेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब धीरे 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 सेकेंडरी ओसाइट क्या करेगा बेटा, क्या करेगा ग्राफियन फोलिकल को मैच्योर करेगा, और एक ग्राफियन फोलिकल मैच्योर होगा तो क्या करेगा बेटा ओव्यूलेशन करेगा, एक ओव्यूम को रिलीज करेगा। अब ओव्यूलेशन के बाद मैंने फिर आपको कहा था अगर फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट हुआ तो क्या बनेगा, अरे कॉर्पस लूटियम बनेगा। और अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट हुआ तो क्या बनेगा फर्टिलाइजेशन एब्सेंट में, कॉर्पस अल्बिकेंस बनेगा, क्या कॉर्पस अल्बिकेंस। तो बेटा कॉर्पस लूटियम बनेगा, कॉर्पस लूटियम बनेगा तब जाके आपकी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होगा। सो आपको यहाँ पे मेडिकल में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस पूछेगा, कॉर्पस लूटियम इज हाईली एसेंशियल टू फॉर्मेशन ऑफ व्हिच हार्मोन, टेल मी, प्रोजेस्टेरोन। और प्रोजेस्टेरोन इज सिक्रेटेड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफियन फोलिकल, कॉर्पस लूटियम। और इफ द ऑप्शंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस लूटियम क्या होता है डीजेनरेट होते हैं, क्या होते हैं डीजेनरेट, मतलब नॉन फंक्शनल होते हैं, क्या होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, है ना। तो आगे चले, हाँ सर। तो देखो बेटा
आप इस टेप देखो, मैं तो अपने ढंग से नॉर्मली आपको समझा दिया, आप इस टेप को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं अभी देखो, ठीक है। आप देखो बेटा, ये वाला जहां जूम किया है, ये येलो वाला लाइन दिख रहा है यहाँ पे जूम किया है जो, ठीक है। अब देखो ईच, पहले क्या होगा, ईच प्राइमरी ओसाइट्स गेट सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स, और उसको कहेंगे प्राइमरी फोलिकल। तो बेटा वो प्राइमरी ओसाइट से ही प्राइमरी फोलिकल बनता है, सेकेंडरी ओसाइट से ही सेकेंडरी फोलिकल बनता है, ये याद रखिएगा। तो क्यों उसको फोलिकल कहते हैं, क्योंकि वो प्राइमरी ओसाइट से जो है वो क्या करेगा, अपना चारों तरफ एक लेयर को प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, एक लेयर को प्रोड्यूस करेगा, और वो लेयर को अपन क्या कहेगा, ग्रानुलोसा सेल्स कहेंगे। क्या, कौन सी लेयर बनता है, ग्रानुलोसा सेल्स की बनता है, और उसी ग्रानुलोसा सेल्स जब प्राइमरी ओसाइट्स के चारों तरफ बन जाएगा तो उसको अपन क्या कहते हैं, प्राइमरी फोलिकल कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल, इंपॉर्टेंट। अब देखो बेटा, मैंने जो बता रहा था, मेनी प्राइमरी फोलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी, में बता रहा था ना आपको। अब बेटा एट द टाइम ऑफ बर्थ, बिफोर द बर्थ, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देयर आर मिलियंस ऑफ फोलिकल्स कैन बी डेवलप इनसाइड द फीमेल ओवरी, बट आफ्टर बर्थ इट ग्रेजुअली डीजेनरेट, ग्रेजुअली धीरे 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 डीजेनरेट होगा, बर्थ अप टू प्यूबर्टी, कब तक, अप टू प्यूबर्टी, तब तक फीमेल मेच्योर नहीं हो जाता, तब तक ये धीरे धीरे इसकी नंबर डीजेनरेट हो जाएगा, नॉन फंक्शनल, और रिड्यूस होते होते घटते घटते कितना बन जाएगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट्स ओनली 60 to 80,000, कितना बनता है बेटा, कितना होता है, 60 to 80,000 ऑफ प्राइमरी फोलिकल प्रेजेंट इन ईच ओवरी, ईच ओवरी मतलब ईच सिंगल ओवरी कंसिस्ट ऑफ 60 to 18,000 ऑफ प्राइमरी फोलिकल। ऑल ऑफ यू क्लियर ना बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। yes, देखो बेटा, अब देखो, ड्यूरिंग द ओजेनेसिस द डेवलपमेंटल प्रोसेस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इनसाइड द ग्राफियन फॉलिकल। सो देखो कैसे बनता है, ये वाला रे चार्ट आप लोग अपना कॉपी में बना लो बेटा, रे डायग्राम, ये मेडिकल इंपोर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बिकॉज ये रे डायग्राम वाला क्वेश्चन जो है आपको मेडिकल में पूछेगा। तो पहला क्या बनेगा, प्रीमोडियल सेल से प्राइमरी फॉलिकल, फिर ये प्राइमरी फोलिकल क्या बनाएगा, सेकेंडरी फोलिकल, फिर सेकेंडरी फोलिकल क्या बनाएंगे, टर्शियरी फोलिकल, अब यही टर्शियरी फोलिकल क्या बनाएगा बेटा, अरे मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनाएगा, क्या बनाएगा, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनाएगा, और इसी मैच्योर ग्राफियन फोलिकल, इसी मैच्योर ग्राफियन फोलिकल वाला डायग्राम देख सकते हो, यहां से फिर ओव्यूलेशन होगा। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम है, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम, तो ये वाला डायग्राम को अच्छे से देखिए, तो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूम। तो बेटा देखो यहाँ पे, देखो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, देखो फटाफट देखो यहाँ पे, ये क्या, देखो मैंने बोल रहा था एक ग्रानुलोसा है, क्या है, ग्रानुलोसा सेल्स, ये कोरोना रेडी, ठीक है, और इसकी बेटा ये ओवरी की आउटर कवरिंग, आउटर लेयर को क्या कहेंगे, थीका एक्सट्रीना, क्या कहेंगे, थीका एक्सट्रीना, क्योंकि थिन लेयर होता है, थिक थिक लेयर होता है, इसीलिए थीका एक्सट्रीना, एक्सट्रीना क्यों कहते हैं, आउटर एक्सटर्नल पार्ट मोटा होता है, इसीलिए कहते हैं इसको अपन थीका एक्सट्रीना, और भीतर लेयर जो होता है थीका इंटरना, थीका इंटरना इसीलिए कहते हैं, भीतर लेयर भी जो होता है वो ठीक होता है, मतलब थीन होता है लेकिन इतना थीन नहीं होता है, तो थीका इंटरना मतलब भीतर की लेयर, थीका एक्सटर्नल आउटर लेयर, ठीक है। अब देखिए पहला डायग्राम को हम लोग कंपेयर कीजिए, ये वाला डायग्राम को देखिए, फर्स्ट डायग्राम, लुक एट द पिक्चर, ये क्या है बेटा, प्राइमरी ओसाइट डेवलपमेंट हो रहा है, ये आपका ओव्यूम है, ये आउटर कवरिंग जो सेल्स है ग्रानुलोसा सेल्स,
अब धीरे 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 ए लेयर ऑफ ग्रानुलोसा सेल सराउंडिंग टू फॉर्म द प्राइमरी ओसाइट। तो प्राइमरी ओसाइट से जब ग्रानुलोसा सेल्स बन गया चारों तरफ, तो ये क्या फॉर्मेशन किया, प्राइमरी फॉलिकल बना। क्या बना, प्राइमरी फॉलिकल। अब बेटा मोर लेयर्स ऑफ ग्रानुलोसा सेल्स बनेगा, सेकेंड में क्या बनेगा, मोर लेयर्स बनेगा, बहुत सारे लेयर्स बनेगा ग्रानुलोसा का, ठीक है। तो जब मोर लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होगा यहाँ पे प्राइमरी ओसाइट्स में, तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल कहेंगे, ठीक है ना। आप धीरे धीरे देखेंगे फ्लूइड फिल कैविटी, जिसको ये फ्लूइड फिल कैविटी जो भीतर में है, ग्रानुलोसा फ्लूइड मैंने जो बोला और फॉलिकुलर फ्लूइड मैंने आपको बोला, इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, एंट्रम कहेंगे। तो देखो यहाँ पे फ्लूइड फिल कैविटी एंट्रम डेवलप द थीका लेयर फ्रॉम थीका इंटरना और थीका एक्सटर्नल। तो ये एंट्रम जो है ये धीरे धीरे अभ्यूम का थीका एक्सटर्नल और थीका इंटरनल लेयर बनाएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। दिस इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू। यहाँ पे ज्यादा अगर देखेंगे खास तौर पे, तो ए वाला जो सीक्वेंस है इसको याद कीजिएगा, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, ए मेनी टाइम्स कम इन योर मेडिकल एंट्रेंस दिस क्वेश्चन। कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होते हैं और ए ड्यूरिंग द ओव्यूलेटरी फेज में होते हैं। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए धीरे 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 क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स सेकेंडरी प्राइमरी ओसाइट्स प्राइमरी फॉलिकल बनाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल टॉर्शियरी बनाएगा। तो यहाँ पे द प्राइमरी ओसाइट इन द टॉर्शियरी फॉलिकल ग्रो एंड अंडरगो फास्ट ऑन इक्वल मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म द लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी ओसाइट एंड टीनी फास्ट पोलर बॉडी। तो क्या होगा बेटा, अब धीरे 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 जब ये ओव्यूम नहीं हुआ है, ओव्यूलेशन अभी नहीं हुआ है, इसका प्रीवियस बिगिनिंग प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, तो प्राइमरी ओसाइट जब बनेगा धीरे धीरे सेकेंडरी बना, अब सेकेंडरी से टॉर्शियरी फॉलिकल बना, तो टॉर्शियरी फॉलिकल के भीतर भी वो प्राइमरी है, उसका ही डेवलपमेंट हुआ है। तो वो फास्ट है जब मियोटिक डिविजन, आप सभी को पता है माइटोसिस और मियोसिस, मियोसिस होने से रिडक्शनल डिविजन होता है। अगर बेटा यहाँ पे मियोसिस होगा तो क्या होगा, रिडक्शनल डिविजन, 2n है तो ये क्या बन जाएगा, n और n बन जाएगा, क्या बन जाएगा, n और n। और माइटोटिक होगा तो क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। मान लीजिए यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n होगा, ये माइटोटिक डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन याद रखिएगा। तो ये धीरे 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 लार्ज सेकेंडरी ओसाइट जब बनाएगा, तब वहां पे कुछ कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो डिवाइड होके फर्दर नहीं बन पाते हैं वो साइड, तो उसको अपन क्या कहते हैं, पोलर बॉडी कहते हैं, जो अभ्यूम फॉर्मेशन जो नहीं कर सकता, जिसके पास एबिलिटी नहीं है, ठीक है। ऐसे फर्स्ट और सेकेंड पोलर बॉडी, दो ठो पोलर बॉडी बनता है और एक ही अभ्यूम फॉर्मेशन होता है। So secondary oocyte retain the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. और इसीलिए और वो फर्स्ट पोलर बॉडी का काम क्या क्या है, वो क्या करेगा सेकेंडरी oocyte को, वो न्यूट्रिएंट रिच प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म कर देगा वो प्राइमरी पोरिसेट से। वो क्या करेगा, न्यूट्रिएंट मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस का काम होता है या सोटोली सेल का, देन कैन दे कैन प्रोवाइड द नॉरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग स्पर्माटोगोनियल से। ड्यूरिंग द स्पर्माटोजेनेसिस क्या होता है, लीडिंग सेल तो एंड्रोजन बनाता था और सोटोली सेल क्या करता था, वो क्या करता था, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता था स्पर्माटोगोनियम को, ठीक, ताकि स्पर्म को प्रोड्यूस करे। ऐसे जब भी अभ्यूम को प्रोड्यूस करना है तो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे पोलर बॉडी करता है। कौन करता है, पोलर बॉडी करता है, जो कि न्यूट्रिएंट ज्यादा करके साइटोप्लाज्म में वहां चारों तरफ वो प्राइमरी ओसाइट की साइटोप्लाज्म में पूरा न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट कर देगा, ताकि वो अपना वहां से न्यूट्रिएंट ले लेके अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे। सो इट इज अननोन दैट वेदर द फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड फर्दर और डीजनरेट। इसके बाद जो पोलर बॉडी फर्दर भी डिवाइड करेगा, ये लोग क्या करेगा, अपना काम करके डीजेनरेट हो जाएगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था डबल फर्टिलाइजेशन इन फीमेल एंजियोस्पर्मिक टावरिंग,
तो फीमेल गैमेटोफाइट में देखेंगे एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता था बेटा, कितना एंटीपोडल सेल्स होते हैं तेरे बेटा, चलाजाल एंड और माइक्रोपिलर एंड होता था, 3 एंटीपोडल सेल्स, एक एक सेल, और क्या होता था, 2 बाइपोलर न्यूक्ली, 2 सिनर्जिड, तो बेटा जब फास्ट जेनरेटिव मेल गैमेट फ्यूज होता था किसके साथ, एक सेल के साथ, तो फास्ट जेनरेटिव मेल गैमेट फ्यूज एन प्लस एन फ्यूज विथ किसके साथ फ्यूज होता था, एक सेल के साथ, तो क्या बनता था 2n, तो डिप्लर बना, जायगोट बना, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी कहते थे, क्या कहते थे, फर्टिलाइजेशन और सिनगेमी। लेकिन बेटा सेकेंड जेनरेटिव मेल गैमेट n होगा फ्यूज विथ 2 पोलर न्यूक्ली मतलब 2n, तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n, तो क्या हो जाएगा 3-3 न्यूक्ली एक ही साथ में फ्यूज हुआ, तो ट्रिपल फ्यूजन कहते थे, ट्रिपल फ्यूजन। सो ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी एक ही एंजियोस्पर्मिक फ्लावरिंग प्लांट में एक ही टाइम में दो दो बार होता है, दो दो बार थोड़ी ना होता है, एक ही टाइम में दो दो फर्टिलाइजेशन होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, क्या कहते हैं रे, डबल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पे याद रखिए ड्यूरिंग दिस डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ पे नोरिशमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सिनर्जिड और एंटीपोडल का काम क्या है, पहला जब फर्टिलाइजेशन सिनगेमी बनेगा तो सिनर्जिड क्या करेगा, नोरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इसके बाद डीजेनरेट हो जाएगा, फिर एंटीपोडल सेल्स जो होता है वो भी सेकेंड जो बनेगा ट्रिपल फ्यूजन और प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल वहां पे नोरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, इसके बाद डीजेनरेट हो जाएगा, समझ में आया ना। तो ऐसे यहाँ पे ये लोग का काम होता है, पोलर बॉडी का काम नोरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और आफ्टर नोरिशमेंट प्रोवाइड करने के बाद तो डीजेनरेट हो जाएगा, क्या होगा, नॉन फंक्शनल बन जाएगा, क्लियर। यस सर। तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं आप लोग, एक टॉर्शियरी फोलिकल अब फर्दर धीरे 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 चेंज होके क्या बनेगा, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनेगा, क्या बनेगा बेटा, मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनेगा, और ये याद रखिएगा टॉर्शियरी फोलिकल चेंज होके मैच्योर ग्राफियन फोलिकल बनते हैं, और ये ग्राफियन फोलिकल रप्चर अगर होता है तो रिलीज करता है ओव्यूम फ्रॉम द सेकेंडरी ओसाइट से जो कि ओवरी, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन कहते हैं। तो मेडिकल में कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, देखो यहाँ पे स्टार मार्क पुट करो, सेकेंडरी ओसाइट फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड डेस, जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन को कौन फॉर्म करता है, सेकेंडरी ओसाइट। इसके बाद ग्राफियन फोलिकल जब भी रप्चर होता है और ओव्यूम को रिलीज करता है ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन प्रोसेस के माध्यम से, तो ये ओव्यूम कौन सी ओसाइट से फॉर्मेशन होता है, डायरेक्टली सेकेंडरी ओसाइट से, कहां से, सेकेंडरी ओसाइट से, सो दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। तो इसका रे डायग्राम ए वाला बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी कॉपी में बनाओ, चलो ए वाला बना लो, अब याद आ जाएगा रे डायग्राम, देखो ओगोनिया ए डिप्लॉयड है बेटा, 46 है देख रहे हो यहाँ पे, आप ये धीरे धीरे माइटोसिस करेगा, प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, फिर प्राइमरी ओसाइट से क्या करेगा, प्राइमरी ओसाइट से सेकेंडरी ओसाइट्स बनाएगा, ये प्राइमरी ओसाइट, देखो ये क्यों प्राइमरी ओसाइट्स को ऐसे दो बार लिखा है, क्यों, इसीलिए कि वो ओगोनिया जो है बेटा ये क्या कर रहा है यहाँ पे, माइटोसिस करके प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, आप ये प्राइमरी ओसाइट में भी 2n है, अभी 46 क्रोमोसोम्स है, आप ये क्या करेगा, धीरे 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 ग्रोथ करेगा, प्राइमरी ओसाइट ग्रोथ करेगा, अब ग्रोथ करने के बाद वो फिर मियोसिस वन में क्या करेगा, सेकेंडरी ओसाइट बनाएगा, क्या बनाएगा, सेकेंडरी ओसाइट्स बनाएगा, अब फाइनली ओव्यूम रिलीज करेगा और पोलर बॉडी फॉर्मेशन करेगा। ये बात देखो 2n था, ये क्या है, ओगोनियम है, ये 2n क्या है, ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स है, अब ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स आपस में म्यूटिकली डिवाइड करेगा और अपना ग्रोथ करेगा, हैप्लॉइड बनेगा, अब इसमें ये सेकेंडरी ओसाइट से डेवलपमेंट होगा, है ना, इसमें फास्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन होगा, ये सेकेंड पोलर बॉडी, ये सेकेंडरी ओसाइट से डिवाइड हुआ और ये फाइनली आपका ओव्यूम रिलीज हुआ।
तो बस ये चार्ट को, ये सीक्वेंस को देखो, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये पूछेगा नहीं, ये कोई जरूरी है नहीं। स्क्रीनशॉट कर लिए, ये आपका माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, ये वाला माइक्रोस्कोप का डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑव्यूम, ये स्ट्रक्चर ऑफ ऑव्यूम का डायग्राम है, देख सकते हैं माइक्रोस्कोप पर। ये योलो योलो जो दिख रहा है, ये जोना पेलुसी का लेयर है इसका। देखो ये वाला स्ट्रक्चर, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑव्यूम, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑव्यूम, और इसको एक सेल कहते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑव्यूम रफली कॉपी में ड्रॉ कर लो, ये मेडिकल में स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं। भीतर में न्यूक्लियस होगा, और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ वाला साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। यहाँ पे फास्ट पोलर बॉडी देखो, और ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखो जोना पेलुसिडा, और ये देखो जोना पेलुसिडा का जो बाहर में जो है, ये है कोरोना रेडिएटा। क्या है, कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा कोरोना रेडिएटा का काम है बेटा, जब मिलियंस ऑफ स्पॉर्न कम्स टुवर्ड्स द ओव्यूम ड्यूरिंग द कॉप्युलेशन और ड्यूरिंग द कोइटस, जब भी मिलियंस ऑफ स्पॉर्म आएंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ से कितने स्पॉर्म फ्यूज होना है, एक ही स्पॉर्म एंट्री करेगा, तो एक स्पॉर्म जब एंट्री कर जाएगा अंदर, यहाँ पे हाइड्रोनिलेस एंजाइम इसको मदद करेगा। अब एक ही स्पॉर्म एंट्री, कोरोना रेडिएटा जोना पेलुसिडा ब्लॉक द एंट्री ऑफ रेस्ट ऑफ द स्पॉर्म इनसाइड द ऑव्यूम, बाकी सारे अंदर एंट्री करने की है ना। कौन ठोक ठोक कर रहे थे, तो द फीमेल गैमेट इज ऑलवेज लार्जर स्पेरिकल एंड नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। साइज इसका कितना होता है, ओव्यूम का 0.2 मिलीमीटर इन डायमीटर, और ओव्यूम का 3 मेंबरेन होता है। नोट कर लो बेटा, ओव्यूम का कितने मेंबरेन होता है, अरे नोट करो जल्दी। पहला इनर मोस्ट लेयर को प्लाज्मा मेंबरेन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम क्या है, ओलेमा। ओलेमा क्या कहते हैं, ओलेमा, प्लाज्मा मेंब्रेन, ओलेमा, इसको क्या कहते हैं, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑव्यूम। क्या है बेटा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑव्यूम। दूसरी लेयर क्या होता है इसका, मिडिल लेयर जो होता है, और आउटर लेयर कह सकते हो जोना पेलुसिडा। क्या होता है, जोना पेलुसिडा। हाँ हेलो, तो बेटा क्या है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर हो गया ये वाला, इसके बाद जोना पेलुसिडा आउटर मोस्ट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब मिडिल लेयर हो गया। अब कोरोना रेडिएटर क्या है, द आउटर लेयर फॉर्म ऑफ द फोलिकल, पूरा आउटर लेयर जो है ये कोरोना। ऑल ऑफ यू क्लियर, क्लियर। तो ऑव्यूम के कितने लेयर होते हैं करिश्मा? यस सर। ऑव्यूम का कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। कल्याणी बारे काम बताओ बेटा, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ऑव्यूम को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनर मोस्ट लेयर को? यार कैसे बंदी है, विष्णु प्रिया पाणी तुम बताओ बेटा, कमलेश बाबू तू बता, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ऑव्यूम प्लाज्मा मेंब्रेन, मिडिल लेयर ऑफ द ऑव्यूम अमीषा जोना पेलुसिडा, और आउटर जोना पेलुसिडा। आउटर लेयर क्या होता है, कोरोना रेडिएटर, कोरोना रेडिएटर, कोरोना रेडिएटर, वेरी गुड, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ये देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्माटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ओजेनेसिस और स्पर्माटोजेनेसिस के भीतर अंतर क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो ओजेनेसिस और स्पर्माटोजेनेसिस अभी अभी हम लोग पढ़े हैं और डिस्कस किए हुए। सो ओजेनेसिस और स्पर्माटोजेनेसिस। सो स्पर्माटोजेनेसिस कहाँ पे होता है बेटा? टेस्टिस में होता है। कहाँ पे होता है? टेस्टिस। ओवरी कहाँ पे? ओजेनेसिस कहाँ पे होते हैं बेटा? ओवरी में। ओवरी। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो, जो लोग लिखना चाहते हो लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा लिखोगे तो क्या होता है अच्छा लगता है, लिख लो तो ये आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेटअप हो जाएगा। आपको दो दिन के लिए याद रखना नहीं है, आपको फ्यूचर के लिए याद रखना है, लॉन्ग समय के लिए आपको याद रखना है। इसीलिए बायोलॉजी एक ऐसा चीज है कि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है। आदमी जो रटते हैं बोल के बोलता है ना वो गलत है। एक कंसेप्ट है, भी एक कंसेप्ट है, हिस्टोरिकल कंसेप्ट है, मजे वाला कंसेप्ट है, बस इसको इंटरेस्टिंग के साथ आपको दिमाग में एंट्री करवाना। तो स्पर्माटोजेनेसिस मतलब इट इज ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इट इज ए प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल, ए टेस्टिस में ए ओवरी में। सेकेंड स्पर्माटोजेनेसिस इंपोर्टेंट क्या है? लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है। कितना होता है? लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है। अपना लिमिट के हिसाब से वो ग्रोथ करेगा जो ग्रोथ होगा, लेकिन एलाबोरेटेड ग्रोथ फेज ये वेरी लार्जली ग्रोथ करता है जो भी ओजेनेसिस होता है। इसके बाद ईच प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स चार स्पर्म बनाते हैं। कितना स्पर्म बनाते हैं? चार स्पर्म को बनाते हैं, लेकिन एक ओसाइट कितना ओव्यूम बनाता है? ओनली सिंगल ओव्यूम। कितने? स्पर्माटोजेनेसिस में पोलर बॉडी फॉर्मेशन नहीं होता है। दिस इज इंपोर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, दिस इज इंपोर्टेंट, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, बट हियर पोलर बॉडी आर फॉर्म। ओजेनेसिस में क्या हो रहा है? पोलर बॉडी की फॉर्मेशन हो रहा है। इसके बाद स्पर्माटोजेनेसिस बिगिंस एट द प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड अप टू टेनिलिटी। ये प्यूबर्टी मेल में होगा, मैच्योर होने से मेल 12-15 साल होगा तो आप शुरू होगा, और ये पूरा स्टेनिलिटी, एक्सटेंड अप टू स्टेनिलिटी मतलब अनलिमिटेड इंफिनिटी, हमेशा ये प्रोड्यूस होता रहेगा। लेकिन बेटा ये आपका जो है ओजेनेसिस, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है, लेकिन सस्पेंड टू पवर्टी, पवर्टी तक ये चलेगा, और इट केस अराउंड द एज ऑफ 50, 45 टू 50 एज में क्या होता है फीमेल में? मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है। अभी अमिताभ बच्चन को कोरोना हो गया, अभी अमिताभ बच्चन को बोलेंगे यार 25 इयर्स की लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, बच्चा पैदा होगा कि नहीं देखते हैं, तो बच्चा पैदा हो जाएगा। कैसे पैदा हो जाएगा भाई? क्योंकि ये फीमेल में मेंस हो रहा है, ओव्यूलेशन अभी भी हो रहा है, लेकिन फीमेल में क्या होता है 45 टू 50 एज होने से अब ओव्यूलेशन नहीं होगा, बंद हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा? ओजेनेसिस और नहीं होगा। लेकिन स्पर्माटोजेनेसिस क्या है? ये हमेशा होता रहेगा। अविनाश मानते लाइन पे हो ना? हाँ सर हूँ। ओके वेरी गुड, समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? हाँ सर आ रहा है। अंकित अग्रवाल आप लाइन पे हो ना बेटा? अंकिता हंस, अंकित अग्रवाल, विश्वनाथ बाबू, हाँ सर, दोनों गायत्री बोकरो, अरे गायत्री बोकरो माने केंता अच्छा दुईटा होई है वादी।